हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आकिफा बुटीक। आज मैं आपको बताऊंगी पैंट की कटिंग और उसकी स्टिचिंग। मैंने यहाँ पे 2.5 मीटर कपड़ा लिया है, आप 2 मीटर भी ले सकते हैं। 2.5 मीटर कपड़े को मैंने फोल्ड करके रख लिया है। ये है इसकी लंबाई और ये है इसकी चौड़ाई। एक्स्ट्रा कपड़ा जो होता है उसको मार्किंग करके कट करके निकाल लेंगे। इस साइड से भी एक मार्क कर लेंगे, अक्सर यहाँ पर भी कपड़ा छोटा बड़ा हो जाता है। अब यहाँ से मैं लूँगी 2 इंच, ये इलास्टिक के लिए है जहाँ से अपना कपड़ा ये फोल्ड हो जाएगा, और एक ही सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब हमें यहाँ से लेना है लेंथ। लेंथ थी 38 इंच। यहाँ पे भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ से 2 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे बॉटम फोल्ड करने के लिए। अगर आपको डिज़ाइन डालना है तो यहाँ से हमें सिर्फ 1/2 इंच ही लेना पड़ेगा। हिप था 38 इंच, उसका 1/4 करेंगे तो होगा 9.5 इंच। 9.5 इंच में 2 इंच प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 11.5 इंच। हमें ये एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ के लेना है तो यहाँ पे हो जाएगा 11.5 इंच। अब हमें लेना है आसन। ये 11.5 इंच है तो इसमें 1 इंच और प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 12.5 इंच, और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये नॉर्मल साइज़ के लिए है, अगर ये ज़्यादा रहेगा, हैवी साइज़ रहेगा तो 2.5 से 3 इंच तक भी आप इसे रख सकते हैं। अब इसको एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये जितना है इसका 1/2 करेंगे। हो जाएगा 7.5 इंच, आप 7 इंच भी रख सकते हैं। और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बॉटम था अपना 12 इंच तो उसका आधा 6 इंच होता है, तो यहाँ से हम इस लाइन से 3 इंच यहाँ लेंगे और 3 इंच इस साइड लेंगे। जितना है उतना ही रखना है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है इसमें। राउंड स्केल से एक शेप दे देंगे। इस साइड भी है शेप दे देंगे। और ये वाली लाइन को यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। यहाँ पे एक कॉर्नर निकल जाता है, यहाँ पे भी एक राउंड शेप दे देंगे। अब यहाँ पे अगर आपको मियानी नहीं लगाना है तो एक राउंड शेप देंगे, और अगर मियानी लगाना है तो इस तरह से एक शेप देंगे। अब इसकी कर लेंगे कटिंग। कटिंग हमें यहाँ से कर लेना है। तो मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है, और अब मैं करूँगी बैक कटिंग। फ्रंट पार्ट को मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक पे रख ली हूँ कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं। अब मुझे आसन के साइड से लेना है 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए। यहाँ से हम ले लेंगे 2 इंच, और यहाँ से भी हम लेंगे 2 इंच। बॉटम से भी हमें 2 इंच ही लेना है। अब शेप पट्टी से एक शेप दे देंगे। अगर हैवी साइज़ है तो आप 2.5 इंच भी रख सकते हैं, और ज़्यादा हैवी है तो 3 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन बॉटम पे हमें 2 इंच ही रखना है।
अब यहाँ से हमें लेना है, आसन की साइड से लेना है, ऊपर वाले हिस्से में 2 इंच, ये लूजिंग के लिए रखते हैं और इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है, पीछे खिंचाव नहीं होता है। यहाँ से हमें बिल्कुल नहीं बढ़ाना है। अब यहाँ से एक सीधी क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नीचे से में भी हमें नहीं बढ़ाना है और इस साइड से ऐसे कटिंग करते हुए अब मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगी। यहाँ पे मैं कटिंग कर चुकी हूँ और मैं अब आपको बताऊंगी मियानी का निशान। ये है अपना स्ट्रा फैब्रिक, ये स्ट्रा कपड़ा है, इसमें मैं आपको बताऊंगी मियानी का निशान। एक कॉर्नर से आपको ऐसे फोल्ड करना है और एक बार और फोल्ड करना है। अब मैं लूँगी खुले साइड से 8.5 इंच और बंद साइड से 8 इंच। और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसको कर लूँगी कट। इसको ऐसे ओपन करना है और इस साइड को भी ओपन कर लेंगे। कटिंग हुई कंप्लीट। अब मैं इसकी स्टिचिंग करके दिखाती हूँ। ये फ्रंट साइड है और एक फैब्रिक हमें ऐसे लेना है और ये आसन की साइड है। यहाँ पे ऐसे मियानी रखते हुए हाफ हाफ इंच सिलाई कर लेना है। अब मैं आपको सिल के बताती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा लिया है और अब इसको रखेंगे इस तरह और फ्रंट का सेकेंड फैब्रिक लेते हुए यहाँ पे ऐसे रखते हुए हाफ हाफ इंच सिलाई कर लेंगे। तो मैं आपको सिलाई करके दिखाती हूँ। दिखाओ। यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है और मैं अब इसको करूँगी ऐसे ओपन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मियानी अटैच हो चुकी है। अब इसी तरह मैं बैक साइड पे भी मियानी अटैच कर लूँगी। देखिए मैंने दोनों साइड मियानी लगा लिया है, ये है बैक और ये है फ्रंट। बैक को अगर हम सीधा रखेंगे तो ऊपर ऐसे फ्रंट को उल्टा करके रखेंगे और ये जो साइड वाली सिलाई है इसको नीचे से ऊपर तक पूरा सिलाई कर देंगे। इस साइड भी हम ऐसे ही करेंगे। तो मैं आपको सिल के बताती हूँ। तो मैंने दोनों साइड का सिलाई कर लिया है और अब मैं एक साइड की सिलाई चलाऊंगी। साइड की सिलाई चलाने के लिए ये जो अंदर का कपड़ा है हमें फ्रंट साइड ऐसे फोल्ड करना है और ऊपर एक किनारी पे सिलाई चला लेना है। इस साइड भी हम ऐसे ही करेंगे। इस साइड का भी कपड़ा जो अंदर का है वो हमें फ्रंट साइड ही फोल्ड करना है। तो मैं आपको सिलाई करके दिखाती हूँ। दोनों साइड से मैंने जो किनारी की सिलाई चलानी थी वो चला चुकी हूँ। अब मैं करूँगी यहाँ से हाफ हाफ इंच सिलाई। हमें बॉटम से लेकर मियानी तक हाफ इंच तक सिलाई करना है। दोनों साइड ऐसे ही सिलाई कर लूँगी। तो मैं अब आपको करके दिखाती हूँ। साइड की सिलाई हो चुकी है। अब मैं बॉटम की साइड से ऐसे लूँगी हाफ इंच और हाफ हाफ इंच राउंड फोल्ड कर लूँगी। इसी तरह से दोनों बॉटम में फोल्ड कर लूँगी। हाफ हाफ इंच यहाँ पे बॉटम की साइड फोल्ड हो चुका है और कटिंग करते वक्त हम 2 इंच लिए थे, हाफ इंच हम यहाँ पे फोल्ड कर चुके हैं। अब हम करेंगे 1.5 इंच और फोल्ड कुछ इस तरीके से और यहाँ पे एक किनारी सिलाई राउंड लगा लेंगे। देखो यहाँ पे मैंने बॉटम रेडी कर लिया है और अब मैं इलास्टिक लगाऊंगी। इलास्टिक लगाने से पहले मैं ये हाफ हाफ इंच पूरा ऐसे फोल्ड कर लूँगी। तो मैं आपको सिलाई करके बताती हूँ। मैंने यहाँ पे हाफ हाफ इंच कपड़ा फोल्ड कर लिया है। अब मैं लगाऊंगी इलास्टिक। इलास्टिक हमें वेस्ट के हिसाब से लगाना था। वेस्ट था हमारा 26 इंच, 26 इंच में 3 इंच माइनस करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है 26 इंच, 26 इंच में 3 इंच माइनस करेंगे, 1, 2, 3 और यहाँ से हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पे ये हम ऐसे हाफ इंच रखते हुए 2-3 सिलाई लगा लेंगे ताकि ये मजबूत सिलाई हो जाए। इलास्टिक को पैंट के ऊपर ऐसे रखते हुए यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कपड़ा बढ़ा के लेना है 1/4 इंच और ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ से किनारी से एक सिलाई चलाएंगे। हमें इलास्टिक पे सिलाई नहीं चलानी है, सिर्फ कपड़े पे ही चलानी है। तो मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। Thank you.
सकते हैं यहाँ पे इलास्टिक लग चुकी है, लेकिन कहीं ज़्यादा चुन है और कहीं कम, तो हम इलास्टिक को ऐसे खींचेंगे बराबर से, ऐसे खींच के, और चारों तरफ देखिए चुन बराबर हो गई है। अब हमें यहाँ बीच में एक और सिलाई लगा लेनी है, तो मैं आपको लगा के रेडी हो चुका है। इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं। आप भी इसी तरह से कटिंग करें, स्टिचिंग करें। इसमें कहीं से भी कहीं खिंचाव नहीं होता है, ऊपर के साइड से भी नहीं और बॉटम से भी नहीं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको पॉकेट की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर डाल दूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।